दोषी राम रहीम के मामले में बीजेपी दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को बलात्कार मामले में दोषी पाया गया और अब 28 अगस्त को उनको सजा सुना दी जाएगी। ऐसे में कोर्ट की कार्रवाई से भड़के दोषी बाबा के समर्थकों ने खूब तांडव मचाया, जिसके चलते प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। राजनीतिक दल से लेकर बॉलीवुड ने दोषी बाबा पर की गई कार्रवाई का स्वागत किया है, लेकिन बीजेपी के कई नेता एक तरफ जहां राम रहीम के बचाव में उतर आए हैं, तो वहीं बाकी नेता इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। बीजेपी नेता और विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखने वाली साध्वी प्राची का राम रहीम पर जमकर गुस्सा फूटा है। राम रहीम पर तंज कसते हुए साध्वी ने कहा कि पाप का घड़ा भर चुका है और फूटना जरूरी था। कि राम रहीम जैसे कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह के पाखंडी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो समर्थक, किस तरह के समर्थक मैं समझ नहीं रही हूँ, जो समाज सुधारक होता है वो खुद ही इस तरह के कर्म करे, उसके पापों का घड़ा जब भर गया तो वो तो निश्चित रूप से फूटेगा एक दिन। और वो जब फूट रहा है तो समर्थकों को तो कम से कम धैर्य रखना चाहिए। कोर्ट कभी किसी को गलत सजा नहीं देती, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखा आपने, एक तरफ जहां साध्वी प्राची राम रहीम को पाप के घड़े से जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ साक्षी महाराज को बलात्कारी राम रहीम सीधे साधे इंसान लगते हैं। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।